Okay, good evening students. Welcome to Unacademy JEE. Let's crack JEE. Myself Ajay Singh. Total teaching experience है मेरे को 6 year का. अभी तक मैंने 20 plus NTSC scholar को mentor किया हुआ है, ठीक है? और मैंने BTech किया from the computer science branch, ठीक है? आज का जो हमारा topic है, that is missing term in figure. अगर मैं इस topic की बात करूँ, तो ये बोलने को मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा tough topic है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? वेटेज के हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5 से 7 प्रॉब्लम हर साल NTSC स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर पूछी जाती है, ठीक है? स्टेज 1 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कंपेरेटिवली ईजी प्रॉब्लम पूछी जाती है. अगर मैं स्टेज 1 की बात करूँ, अगर मैं स्टेज 2 की बात करूँ तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है? तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, कैसे कैसे अपने को उनको से डील करना है, ये सब हम आज इसके लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं. उससे पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको कौन पढ़ाने वाले हैं. अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो फैकल्टीज यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही हैं. मनोज सर हैं, जैन सर हैं, ओम शर्मा सर हैं, ठीक है, नीरज कुमार सर हैं, ये सब वो फैकल्टीज हैं, समीर सर हैं, ये सब वो फैकल्टीज हैं जिन्होंने पिछले 10-12 साल से टॉप IITians को मेंटर किया है, टॉप IITians को मेंटर किया है, ठीक है? और पिछले 10-12 साल से ये इस इंडस्ट्रीज में से जुड़े हुए हैं, ठीक है? इनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ ये लेके चल रहे हैं. तो आप अगर यहाँ पे अनअकैडमी प्लस में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स के अंदर हो. उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे एक बार एज ए ट्रायल देखना चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. टाइम टू टाइम आप अनअकैडमी ऐप पे देख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का अनअकैडमी पे इन्वायरमेंट है, किस तरीके की यहाँ पे पढ़ाई होती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या क्या मेटेरियल आपको प्रोवाइड किया करवाया जाएगा, ठीक है? ओके, उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज वगैरह की, तो वीकली टेस्ट सीरीज होती है, क्लास वाइज होती है, 11th 12th या ड्रॉपर बैच हो. बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आप तीनों सब्जेक्ट के जो बैचेज वगैरह फॉर्म होते हैं, जैसे आप अपनी ऑफलाइन क्लासेज के अंदर ज्वाइन करते हैं तीनों सब्जेक्ट के लिए, आप तीनों मतलब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो थ्रू आउट द ईयर के लिए होगा, और टाइम टू टाइम यहाँ पे क्रैश कोर्स वगैरह भी चलते रहते हैं JEE मेंस एडवांस के लिए, ठीक है? ओके, अनअकैडमी प्लस का फ़ायदा क्या है, अनअकैडमी का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको क्यों इनरोल करना चाहिए. सबसे पहली चीज़ तो है कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ठीक है? अगर आपका कोई लाइव सेशन या लाइव क्लास अगर मिस भी हो जाती है तो आप उस सेशन को दोबारा देख सकते हो, तिबारा देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, ठीक है? लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों को आती है लैंग्वेज की. अगर वो किसी पर्टिकुलर जगह जा रहे हैं तो हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश या हिंदी व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर समझने में थोड़ी समस्या आती हो, बट अनअकैडमी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तमिल हो, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? अनलिमिटेड प्रैक्टिस, टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑनलाइन क्विज वगैरह होती रहती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको DPPs वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सीट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएंगी. उसके अलावा अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम यहाँ पे टेस्ट पेपर होते रहते हैं. तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है फॉर IIT JEE प्रिपरेशन उतना अनलिमिटेड यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? उसके अलावा अगर आपको क्लासरूम के फील के लिए अगर देखा जाए तो आप एजुकेटर से तुरंत लाइव सेशन के दौरान आप बात कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लाइव एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रखा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ में, ठीक है? उसके अलावा टाइम टू टाइम इंटरेक्टिव पोल्स होते रहते हैं, जैसे आपने KBC के अंदर ऑडियंस पोल देखा होगा, ठीक है? उस टाइप से यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल्स होते रहते हैं. थर्ड पॉइंट है कि आप जब चाहे तब चाहे जहाँ चाहे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. आपका जो भी गोल है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो, चाहे फाउंडेशन हो, ठीक है? ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी कोर्सेज वगैरह आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है?
मान लो कोई एक स्टूडेंट 24 मंथ का अगर प्लान लेता है फॉर आईआईटी जेईई, तो उसका जो पेबल फीस होगा दैट विल बी 48,000। कितना फीस होगा? 48,000। अगर आप मेरा रेफरल कोड अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ ASSIRLIVE, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। आफ्टर 10% डिस्काउंट जो आपका पेबल अमाउंट होगा दैट इज़ 43,200, ठीक है। उसके अलावा भी अगर यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, आप चाहो तो सिंगल मंथ का प्लान ले सकते हो, 3 मंथ का प्लान ले सकते हो, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, ठीक है। जो बच्चा 11th या 12th मूविंग है, सॉरी 10th से 11th मूविंग है, उन बच्चों के लिए 1 ईयर और 2 ईयर का प्रोग्राम सबसे बेस्ट रहेगा। वो इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे पर मंथ कॉस्टिंग डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे, जैसे 6,000 रुपीज़ पर मंथ एक महीने का प्लान है, और यहाँ पे 2,000 रुपीज़ पर मंथ आपका इफेक्टिवली हो रहा है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 8 मंथ की फीस के अंदर आप 24 मंथ के लिए आप प्लान यहाँ पे ले सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी डील मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ज़्यादा लेट मत कीजिए, तुरंत आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए तौर पर बता रहा हूँ, मान लो कोई बच्चा अगर 12 मंथ या 24 मंथ का अगर प्लान लेता है, तो उसकी जो रेस्पेक्टिवली फीस होगी दैट इज़ 30,000 या फिर 48,000, ठीक है। अगर वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करता है दैट इज़ ASSIRLIVE, तो उसको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद जो पेबल अमाउंट होगा दैट इज 27,000 फॉर 12 मंथ एंड 43,200 फॉर 24 मंथ। तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ मिसिंग टर्म इन फिगर। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म इन फिगर में एक चीज़ ध्यान से रख देखना है, आपको एक फिगर दिया जाएगा, उस फिगर में बहुत सारे नंबर्स होंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा फिगर भी आपको दिए जाए, ठीक है। फिगर कैसा हो सकता है, मान लो एक ट्राइंगल दे दिया जाए, ट्राइंगल के कॉर्नर के ऊपर कुछ नंबर दे दिया जाए, एक ट्राइंगल के बीच में नंबर है, हो सकता है ट्राइंगल की साइड्स के ऊपर नंबर आ चुके हैं, हो सकता है सर्कल के चारों तरफ नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक या दो एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक लॉजिक पर्टिकुलर चल रहा है। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं अगर बात करूँ लॉजिक क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर होके ऐड हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है क्यूब हो रहा हो सकता है ऐड होने के बाद आपने उसका स्क्वायर रूट ले लिया हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा हो सकता है मल्टीप्लाई करके माइनस किया जा रहा हो सकता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर चल रहा हो। तो वेराइटीज ऑफ लॉजिक हो सकते हैं। इस चैप्टर को फास्ट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपको हज़ारों लॉजिक आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको आइडिया लगने मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को कैसे डील करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से, स्टार्टिंग की 2 या 3 प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा, देन आप अपने आप बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे 3x3 का एक ग्रिड दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इस ग्रिड के अंदर ध्यान से देखूँ तो ये सारे के सारे नंबर कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात तो आंसर शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके हिसाब से मेरा ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूँ 3x3 के ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 तक सबके नंबर के स्क्वायर लिखे हुए हैं एक्सेप्ट 9 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9² = 81, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर ना होता, स्क्वायर माइनस 1 होता या स्क्वायर माइनस दैट नंबर होता, तो जो भी लॉजिक लग सकता है वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, कुछ आगे प्रॉब्लम में चल के अपने को देखेंगे कि हो सकता है कि पहले 2 कॉलम का सम थर्ड कॉलम आ जाए, या पहली 2 रो का सम थर्ड रो आ जाए, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड रो का सम बीच वाली रो हो, या फिर पहले को 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर बन जाए, या सबको हम ऐड करें तो एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट हो रहा हो, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ लॉजिक यहाँ पे बन सकते हैं, आपको उन सब के बारे में सोचना है, ठीक है। सेकंड वाले को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक टाइप से मैजिक स्क्वायर टाइप बन रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इन सब नंबर को ऐड करता हूँ तो ये 28 आता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये भी क्या आता है? 28 आता है। अगर मैं इस कॉलम में ऐड करता हूँ तो ये भी 28 आता है, ठीक है। तो मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का सम 28 आ रहा है, एंड व्हाट इज 28? जो आपके बीच में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो 7 + 13 20 + 20 + 28 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 में x ऐड करेंगे तो 28 आना चाहिए था, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 8 हो जाएगा।
तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन मैजिक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो बीच वाला नंबर है उसमें फर्स्ट रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम का सम कितना आ रहा है, 28 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। 1, 3, 5, 35, 7, 3, 4, 74, 6, 8 = 104। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ एक लॉजिक मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे पहला लॉजिक अगर मैं देखूँ, 1 + 6 क्या तो 7 आया, बट यहाँ पे 35 + 104 इज नॉट इक्वल टू 74, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लॉजिक हो सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम में शायद हो सकता है वो फुलफिल हो रहा हो, एक पर्टिकुलर रो में हो सकता है वो चल रहा हो, बट हर जगह चले ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं ध्यान से देखूं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्थ रो है बेटा, कौन सी रो है, फोर्थ रो, ये अचानक से जो नॉर्मली नंबर लिखे गए उससे अचानक से बहुत बड़ा नंबर बन चुका है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5 एंड 35, तो अब आपको ट्राई करना ये है कि 1, 3 और 5 से कैसे ना कैसे करके मैं 35 बना दूं। ठीक है, 7, 3, 4 से ट्राई करके कैसे ना कैसे करके मैं 74 बना दूं। ठीक है, उसके बाद में 6 यहाँ पे कुछ आएगा, 8 इसकी हेल्प से मैं 104 बना दूं। ठीक है, तो पहले दो से मैं लॉजिक देखने की कोशिश करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आता है, 35 नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या बन सकता है। ठीक, जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा क्या बन रहा है, 5² + 3² + 1² दैट इज 35। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या, सेकंड में भी ऐसा ही हो रहा है, 7² 49 + 3² 58 + 4² 74। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कॉलम के अंदर पहले जो तीन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो फोर्थ रो का, मतलब फोर्थ रो आपकी जनरेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6² मान लेता हूँ यहाँ पे x² आया होगा +8² = 104। तो 6² + 8² तो कितना हो गया, 100 हो गया, तो x² = कितना हो जाएगा, 104 - 100, और ये कितना होता है, 4 के इक्वल होता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, +-2 आप बोल सकते हैं, बट ऑप्शन में हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। दोबारा सुन लीजिए, पहले तीन रो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्थ रो, फर्स्ट थ्री रो का स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्थ रो, लॉजिक एक ऐसा होना चाहिए जो हर एक कॉलम या रो के अंदर फुलफिल होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है सब लोगों को, आगे बढ़े। अब आप कीजिएगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है, आपके पास 2 मिनट है करने के लिए। ओके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि शायद हो सकता है कि इन तीन नंबर्स में आपस में इंटरनल लॉजिक हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक दो, इन दोनों नंबर का लॉजिक यहाँ पे मिल के बन रहा हो।
ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इन दो नंबर का लॉजिक यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अब मैं जो अंदर जो इस आपको 2x2 का ग्रिड दिखाई दे रहा है उन नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 80 है। ठीक है, इस नंबर को मैं 9² - 1 लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, 63 जो है वो 8² - 1 लिख सकता हूँ मैं, और 99 जो है वो 10² - 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स को इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि जितने परफेक्ट स्क्वायर आप याद करोगे उतना फ़ायदा आप लोगों को होगा। वही फायदा मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को 80 को मैं 9² - 1 रिलेट कर पा रहा हूँ, 63 को मैं 8² - 1 लिख सकता हूँ, 99 को मैं 10² - 1 लिख सकता हूँ। अब बात ये आती है सर, ये 9 कहाँ से आया, 8 कहाँ से आया और 10 कहाँ से आया। अगर आप ध्यान से देखोगे जो कि यहाँ पे 9² - 1 बनाता, तो आई थिंक 9 जो है इन दोनों को ऐड करने पर बना, 10 जो है वो इन दोनों को ऐड करने पे बना है, 8 जो है वो इन दोनों को ऐड करने पे बना है। तो इसका आंसर मतलब क्या हुआ कि 6 + 7 13² - 1 = 168, जो कि ऑप्शन बी क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरियस टाइप के लॉजिक्स हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने डाउट्स आप सोल्व करोगे, ठीक है, जब भी आप कोई भी सीटीज की सोल्व करो, जब भी कोई डीपीपी सोल्व करो, फर्स्ट राउंड कंप्लीट कीजिए फ्रेश माइंड से, एक बार दोबारा उस जो क्वेश्चन नहीं हुए एक बार दोबारा उनको देखिए, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ उनमें से 30 से 40% प्रॉब्लम दोबारा आपसे सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस समय आप कर रहे थे शायद हो सकता है उस टाइम वो क्लिक न कर पा रही हो, जब दूसरी बार आपने अटैम्प्ट किया हो सकता है उस समय आपके पास आपसे वो चीज़ क्लिक कर गई हो। ठीक है, ओके, फटाफट कीजिए इस चीज़ को। हुआ, अब ये देखिए कि अचानक से फोर्थ रो में नंबर बड़ा हो चुका है, तो मतलब पहले ही 3 नंबर की हेल्प से आपको फोर्थ नंबर बनाना है, मतलब 147 की हेल्प से 27 बनाना है आप लोगों को। ओके, आंसर इज 51, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चेक करते हैं कैसे हुआ होगा। ठीक है, 147 इससे मुझे 27 बनाना, हो सकता है इनको मल्टीप्लाई किया 28 आया, 28 में से -1 किया 27 है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं 2 × 5 × 8 करता हूँ, तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा नंबर हो चुका है, बट यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 38 चाहिए था, तो ये जो लॉजिक मैं अप्लाई करने की सोच रहा था वो लॉजिक नहीं लगेगा। बट हाँ, यहाँ से मुझे एक हिंट जरूर मिल गया कि सेकेंड एंड थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट रो उसमें से माइनस कर दो। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, -1 27, चेक करो क्या सेकेंड रो में अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 × 5 = 40, -2 = 38, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 9 × 6 = 54, 54 - 3 = 51, दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, फटाफट कीजिए।
हो गया बेटा, ट्राई करें। ओके देखो, इसके मैं दो तीन आपको लॉजिक बताऊंगा, दो तीन तरीके से अपन सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अचानक से थर्ड रो के अंदर नंबर बहुत बड़ा हुआ है, ये जो नंबर है 120, ये 11 के परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 45 जो वो 7 स्क्वायर के आसपास है। आई बात समझ, पहली चीज ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 स्क्वायर करता हूँ 49 आया, माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 45 ठीक है। सेकेंड ये हो सकता है 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 120, मतलब सेकेंड रो का स्क्वायर माइनस फर्स्ट रो का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड 120 ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है ठीक है। दूसरा लॉजिक ये है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड रो को ऐड करो और सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, कितना आंसर आ जाएगा 120 ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करो और फर्स्ट एंड सेकेंड को सबट्रैक्ट करो, 945 से कितना होता है बेटा 45 होता है ठीक है। तो इसी टाइप से अगर मैं देखूँ यहाँ पे 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3, 8 2 जो कितना होता है 16 होता है ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं किया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना मैथमेटिकल मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, 11 माइनस 1 11 प्लस 1, और कुछ भी मैंने ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया है ठीक है। बट हाँ, सोचने का तरीका हो सकता है कि उनका डिफरेंस और ऐड का प्रोडक्ट आपका थर्ड रो बन रहा है, तो आंसर इज 16 ठीक। फटाफट कीजिए, अब यहाँ पे अल्फाबेट्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। ये तो आई थिंक विद इन 30 सेकेंड आप कर सकते हो। आंसर इज ऑप्शन सी। कई बच्चे देखो इसको ऐसे डील कर रहे होंगे, 2 4 6 3 5 7, वाह 7 तो है नहीं, तो बोनस की मांग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए इसका लॉजिक कुछ और चल रहा है ठीक है। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड रो इक्वल्स टू थर्ड रो, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, देन 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो आंसर इज 8। तो ऑप्शन 8 तो एक में ही है, दैट इज सी ठीक है। बाकी अगर नंबर्स का देखो, ये 1 है, ये 7 है, ये 13 है, तो 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, 3 9 और 15 ये भी 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, 5 11 एंड 17, तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, और 11 पे कौन होता है के होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा ठीक है। तो जो लॉजिक चल रहा है वो थ्रू आउट दिस, या तो कॉलम में चल रहा है या रो में चल रहा है, व्हाटएवर जहां पे भी लॉजिक चल रहा है वो आपको अप्लाई करना है। अगला देखिए, बहुत ही इजी है, दो तीन तरीके से आप कर सकते हैं इसको। हो गया होगा आई थिंक, ऑप्शन ए है ठीक है। कैसे, प्लस थ्री ठीक है, या फिर 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 9, यहाँ पे प्लस 4 किया, यहाँ पे भी प्लस 4 किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, हर केस में 11 ही आएगा, क्योंकि 7 प्लस 4 भी 11 होता है, 8 प्लस 3 भी 11 होता है। कॉलम वाइज अगर आप देखोगे तो +3 हो रहा है, रो वाइज आप देखोगे तो +4 हो रहा है ठीक है। अगला देखिए, ये थोड़ा सोचने वाला है, हो गया होगा, आंसर इज 48। लॉजिक क्या वो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस फोर किया, फिर यहाँ प्लस फोर किया, यहाँ प्लस फोर किया, यहाँ प्लस फोर किया, अगर आपने यहाँ 16 किया तो यहाँ पे भी 16 ऐड करो, तो 48 आएगा ना। मतलब कि अगर मैं एक
रो से दूसरी रो में जा रहा हूँ तो सेम नंबर ऑफ अमाउंट ऐड करके जा रहा हूँ, ठीक है, एक लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक आप ध्यान से देखो, अचानक से जो थर्ड कॉलम था उसका वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है अचानक से हुआ है, तो 3515 प्लस 1 एक लॉजिक बन सकता है, दैट इज 16, बट 7 9 63 प्लस 164 होना चाहिए था, तो वो फिट यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। बट मैं अगर दूसरा देखूँ तो 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं देखूँ 7 प्लस 9 16 होता है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इन द सेम वे 11 प्लस 13 कितना होता है, 24 होता है, 24 × 2 कर दूँ तो कितना आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा। तो आप जिस तरीके से सोचना चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अगला देखिए फटाफट, बहुत ही इजी है, आंसर बताइए फटाफट क्या है आंसर। और शायद मेरे को 50% ऐसा लगता है बच्चे गलत इसका करेंगे, ठीक है, सिंपल सिंपल है। ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो बट गलत है, 5 6 इज नॉट द आंसर, आंसर इज 6.5। क्यों, आप 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे आएगा, तो पहले 6 आया फिर 5 आया, या फिर आप ये देख सकते हैं पहली इसकी पोजीशन यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे है, तो ये पोजीशन यहाँ पे, तो ए का पोजीशन 5 यहाँ पे आएगा, एफ का पोजीशन यहाँ पे आएगा, 6.5 इज द राइट आंसर। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स आप जिसको बोलते हो, वो जितनी ज़्यादा हो सके आपको अवॉइड करनी है एग्जाम के ड्यूरिंग, ठीक है। अगला देखिए, ये भी बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट क्लिक कर रहा होगा आपको। आई थिंक हो जाना चाहिए, आंसर इज ऑप्शन बी। कैसे, देखो 2 × 5 = 10 आ गया, 10 × 5 = 50 आ गया होगा, ठीक है। इसी टाइप से 3 × 4 = 12 आ गया, 12 × 3 = 36 यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस सर्कल पे आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, इन दो एग्जांपल में क्या लॉजिक लग रहा है वो सेम लॉजिक आपको इस एग्जांपल में अप्लाई करना है, ठीक है। तो सर्कल के बाहर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनकी हेल्प से आप 83 बनाने की कोशिश करो इन एनी हाउ कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 8 × 6 = 48 प्लस 7 × 5 = 35, 83 होता है, वेरी गुड। इन द सेम वे 2 × 4 प्लस 3 × 1 = 11 होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये एक लॉजिक जो आप अप्लाई कर रहे हो एक में तो अप्लाई हो रहा है और दूसरे में अप्लाई नहीं हो पाए, इन केस अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो दो लॉजिक है वो दोनों जगह अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10 × 8 प्लस 7 × 9 80 + 63 जो कि होता है 143, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है कई बार कि एक ही प्रॉब्लम के दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे नंबर सीरीज में शायद कुछ कमेंट्स आए थे सर इसका ये भी आंसर पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, तो मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, और ये हर साल चेंजेस भी होते होंगे, एग्जाम में चेंजेस भी होते हैं, बट अपना काम है कि एग्जामिनर ने क्या सोचा है अपने को वो सोचना है, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा आपको लास्ट में जाते समय, ठीक है, स्टेज टू में पूछा गया प्रॉब्लम है, ठीक है, 19% बच्चों ने उस प्रॉब्लम को गलत किया था, बट उसका आंसर वो नहीं था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पहली थिंकिंग अगर आप उस प्रॉब्लम की देखोगे तो आप उसके हिसाब से ही जाओगे, ठीक है। तो मैं ज़रूर लास्ट में उस प्रॉब्लम को लेना चाहूँगा, ठीक है, ओके, आगे देखिए।
ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर क्या बेटा? ऑप्शन बी है, ठीक है। आपको जो सर्कल के चारों तरफ नंबर दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको 30 बनाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर आप करके देखोगे, 4 3 12, 2 24 +125, +5 का भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, +5 किया भी होगा तो, बट दूसरी वाले लॉजिक में देखोगे 6 5 30 4 120, ये तो बहुत बड़ा चला गया नंबर, फिर प्लस कुछ और भी करना है, ठीक है। तो आई थिंक वो लॉजिक प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 + 25 = 30, ठीक है। मतलब जो सर्कल के चारों तरफ नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करता हूँ तो सर्कल के जो अंदर नंबर है वो बन के निकल के आता है, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर मैं करूँ 6 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, ठीक है। ये भी 5 स्क्वायर, ये भी 5 स्क्वायर, 50 हो गया, +36 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + x स्क्वायर = 78। ये कैसे बना होगा ये अपने को सोचना है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफाई करना है, 25 + 4 29 हो जाएगा, तो x स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट विल बी 49, और तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब सर्कल के चारों तरफ है वो नंबर का स्क्वायर होके ऐड हो रहा है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है, कहीं अप्लाई हो रहा हो, इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है कि सबको मल्टीप्लाई कर दिया फिर एक फिक्स नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, समझ रहे हो। हो सकता है कि जो मतलब अपन तो अभी तक अपोजिट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे कुछ देर पहले, हो सकता है डायगनली 4 और 3 1 और 2, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है 4 × 3 × 2 / 1, इस टाइप की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही इजी है, फटाक से आंसर दीजिएगा। Should I tell the answer? Answer is 222। Logic क्या है? ध्यान से देखिएगा। देखो 2 में 6 में से 2 गया 4 आया, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। बट 3 में से 7 गया 0 नहीं आता है, तो ये चीज तो बेकार हो गई अपनी, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 में से 2 गया तो 0 आया, मतलब ये वाला जो नंबर है इसका डिफरेंस है दैट इज 0, कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 में से 1 गया तो 2 आया, तो बीच का नंबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 3 में से 7 गया तो 4 आया, यहाँ पे भी देख लीजिए 7 में से 3 गया 4 यहाँ पे बन रहा है, 6 में से 5 गया 1 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 0 में से 2 गया तो वो फर्स्ट पोजिशन पर आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं 5 में से 6 गया तो 1 यहाँ पे लिखा इन्होंने, 3 में से 8 गया तो 5 यहाँ पे लिखा, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, मतलब डायगनली डिफरेंस देखा गया है, ठीक है, डायमीटर के अलोंग जो भी डिफरेंस देखा गया है और उनकी पोजीशंस को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ है। आई बात समझ, डिफरेंस लिया है, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया गया है, प्लस माइनस के साइन की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला
टाइम लगेगा इसको, ट्राई कीजिएगा। आपको 14 और 9 का कोई भी ऑपरेशन करके 103 बनाना है। जरूरी नहीं है ऑपरेशन एक बार करो, दो बार भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, आंसर बता दूं। 80 माइनस 18 62, 70 माइनस 8 62, ठीक है। इसको देखो दो तीन तरीके से समझ सकते हैं अपन, कोशिश कीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। 14 को 9 से मल्टीप्लाई करो, आई थिंक 126 आ रहा होगा, बट मुझे 103 चाहिए, ठीक है। तो 103 चाहने के लिए मुझे 23 सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो कि 103 बना होगा, आई थिंक यही हुआ होगा। फिर उसके बाद मैं 10 × 8 करूँगा तो 80 आएगा, बट सॉरी ये तो आंसर नहीं है। 5 × 6 करूँगा तो 30 आया होगा, बट मुझे 11 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है। ये 23 क्या है, ये 11 क्या है, ध्यान से देखो। ये 23 जो है इन दोनों नंबर का सम है, और ये 11 जो है वो इन दोनों नंबर का सम है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 × 8 − 10 + 8, ठीक है। 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80 − 18 = 62, ठीक है। मतलब अपोजिट नंबर्स जो हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उनको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करने पे जो बन रहा है और ऐड करने पे जो बन रहा है उनका डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए आंसर क्या है, 62। दूसरा तरीका थोड़ा अजीबोगरीब है, ठीक है, इसको अपन ये भी समझ सकते हैं। 9 को इससे एक नंबर कम से मल्टीप्लाई करो, मतलब 9 को 13 से मल्टीप्लाई करो, माइनस सामने वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 × 13 जा 117 होता है, माइनस 14 103 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं देखूं यहाँ पे 5 × 5 25 माइनस 6 किया तो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत मतलब बहुत इजीली क्लिक नहीं करता कर पाएगा ये लॉजिक, ठीक है। इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर नंबर अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। 4 9 6 9 16 12 16 क्वेश्चन मार्क 20 आंसर क्या आएगा। आई थिंक ईजी ही है, ऊपर जो सर्कल्स में नंबर दिखाई दे रहे हैं 4 × 9 वो नंबर का प्रोडक्ट है, नीचे वाले नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। फिर 9 × 16 = 12 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16 × x = 20 × 20 आएगा, ठीक है, 20 × 20 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 20 × 20 / 16 = 25 ऑप्शन डी। या फिर मैं बोल सकता हूँ इनको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 9 देन उसका स्क्वायर रूट ले लो,
क्या आ जाएगा 6, फिर ऐसे 9 × 16 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 × x इज इक्वल्स टू 20। बात तो वही है, आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये कीजिए एक बार आप, इसमें आप आराम से 2 मिनट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग होगा प्रॉब्लम। आंसर हुआ देखो ध्यान से देखिएगा इसको। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ, इन दोनों को ऐड किया 17 + 6, फिर +2 कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 18 + 8 कितना होता है बेटा 26, 26 + 2 = 38, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है इन दोनों का जो डिफरेंस किया है 8 आया, 8 में से -2 किया तो 6 आया, फिर यहाँ पे मैं अगर डिफरेंस करता 20 आता, 20 में से -2 करता हूँ तो यहाँ पे भी 18 आना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। और किस तरीके से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, वो अपने को यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, ठीक है, 25 + 17 कीजिएगा कितना बन रहा है 42, यहाँ पे 38 + 18 कीजिएगा कितना बन रहा है 56 बन रहा है, कितना बन रहा है बेटा 56, बट आपको यहाँ पे 8 चाहिए, यहाँ पे आपको 6 चाहिए। ध्यान से देखो एक कॉमन चीज़ आ रही है कि अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ इन दोनों को तो 7 × 6 = 42 आ रहा है, वेरी गुड। और 56/7 करो तो 8 आ रहा है, यस और नॉट, पक्का, ठीक है। मतलब क्या किया है कि इन दोनों नंबर को पहले तो ऐड किया है, फिर डिवाइड बाय 7 किया है तो तीसरा नंबर मिला है। सेम है यहाँ पे भी, इन दोनों नंबर को ऐड किया है, फिर डिवाइड बाय 7 किया है, फिर उन्होंने वहाँ पे थर्ड नंबर मिला है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो 89 + 16 / 7 जो कि मेरा हो जाएगा 105 / 7 विच इज इक्वल टू 15, कितना हो जाएगा बेटा 15, जो कि ऑप्शन बी के इक्वल होगा, यस और नॉट, ठीक है। तो इस टाइप के भी लॉजिक्स आपके अप्लाई हो सकते हैं कि कोई दो नंबर्स को ऐड करके किसी एक अलग ही नंबर से डिवाइड किया गया है, ठीक है, तब जाके एक थर्ड नंबर निकल के आ रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज, आगे चले। देखें करें इसको, ओके। एक लॉजिक तो देखो मैं
सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है। अच्छा मैं आंसर बता देता हूँ पहले, 9312 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हो सकता था ऐसा कुछ बन रहा हो, ये किया तो 11 आया, 11 में से माइनस वन किया तो 10 बन गया, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा ये सही आंसर है, पॉसिबिलिटी है, अपन क्या क्या सोच सकते हैं। फिर 5 में से 5 गया, फिर 5 गया, मतलब इधर वाले नंबर में से इन दोनों नंबर को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो 5 में से 5 और 5 गया, फिर -5 है, फिर -1 है, फिर -6 है। हो सकता है मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट 9 में से 9 गया, -3 गया, ठीक है 9 में से 9 गया, -3 गया, -3 आया, फिर -1 और किया तो -4 आना चाहिए था, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने सोचा वो तो गलत है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन होता तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, बट अपने को अब क्या करना है यहाँ पे, 18 3 4 से 10 बनाना है मुझे। ठीक है, तो अगर मैं 18 को 3 से डिवाइड करता हूँ और फिर मैं 4 में ऐड कर देता हूँ, 18 से 3 को डिवाइड करता हूँ तो 6 आएगा, और 6 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, 5 / 5 + 5 6 हो जाएगा, तो इसी टाइप से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 / 3 + 9, मतलब ये ऊपर वाले नंबर को आपस में डिवाइड किया और फिर नीचे वाले नंबर से ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है मेरा। ठीक है, तो जो लॉजिक हो सकता है दो में अप्लाई हो गया होगा, बट उसके हिसाब से ऑप्शंस नहीं थे। अगला कीजिए। हो गया आंसर, आंसर बता दूं, आंसर 25 है। ठीक है, कैसे 16 से 96 किया, चलो अच्छी बात है, बट यहाँ पे करूँगा तो नंबर बहुत बड़ा जा रहा है, फिर इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो चल सकता है क्योंकि 100 के आसपास ही है, बट इधर करूँगा तो अगेन बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करके तो कुछ नहीं होना भैया यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट मल्टीप्लाई करके भी इसके अंदर तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा, क्योंकि बाहर बड़े बड़े नंबर्स हैं बट अंदर छोटा नंबर है। ठीक है, बट एक चीज़ मेरे को यहाँ पे अच्छी, जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अगर हिसाब से मैं देखूँ तो 53 जो है नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है, एंड 109 जो मेरे नंबर मेरे को दिखाई दे रहा है, ये नंबर सम ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे 53 को मैं 7² + 2² लिख सकता हूँ, और इसी टाइप से 109 को मैं 10² + 3² लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 7 और 2 बना कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, 16 और 6 का डिफरेंस किया, 5 और 2 का डिफरेंस किया, फिर दोनों का जो भी स्क्वायर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 और 15 का डिफरेंस किया, 21 और 19 का डिफरेंस किया, देन स्क्वायर किया, तो 17 - 13 कितना होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 51 - 48 कितना होता है, 3 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 + 9 विच इज इक्वल्स टू 25, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं ये,
एनटीएससी में पूछा गया है एक बार ये प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, आंसर इज 18। आंसर इज 18। ठीक है, कैसे हुआ होगा उसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलो मैं बीच वाले नंबर की देखता हूँ। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, वेरी गुड। 6 3 जाए 18 आ गया, वेरी गुड। 2 9 जाए 18 आ गया, वेरी गुड। सिंपल सा है। चलो उधर मामले में वापस सोचते हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा होगा कि इन दो नंबर्स का रोल किया है 5 और 2। मजेदार बात ये, इन दो ही नंबर का रोल किया है 5 एंड 2। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसा मतलब बोल क्या सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ होगा कि इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5, सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। देन उन्होंने डिवाइड बाय 10 किया होगा, जिससे 2 और 5 के फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 एंड 5 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, फिर दोबारा क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 डिवाइड बाई, अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 9 जा 18। दैट्स वाई हमारा आंसर 18 है। ये बिल्कुल मत कर देना कि अब 2 6 इंटू 3 किया, फिर 5 प्लस 2 ऐड करके माइनस कर दिया। तो बात ये आ जाएगी कि किस किस को ऐड करें, किस किस को माइनस करें। आई बात समझ में? ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे 3 एंड 4 होता, मान लेते यहाँ पे 4 होता, तो वो हम लॉजिक बोल सकते थे कि अपोजिट को मल्टीप्लाई करके, अपोजिट को ऐड करके देन हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि सबका प्रोडक्ट करो और उसके बाद में डिवाइड कर दो बाय 10। कई बार ऐसा हो सकता है सबका प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय 16, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 120, वॉट एवर जो भी नंबर है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स के आंसर्स हो सकता है एक से ज़्यादा पॉसिबल हो। जैसे एक बार प्रॉब्लम पूछी गई थी कि इफ़ आर आई आर इज कोडेड एज आई आर आई, देन वॉट विल बी कोड ऑफ MUM। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, जो भी ये वीडियो देखे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि एनटीएसए स्टेज 2 में पूछी गई प्रॉब्लम है, इफ आर आई आर इज कोडेड एज IRI देन व्हाट विल बी कोड फॉर MUM, जरूर बताइएगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मिसिंग टर्म इन फिगर, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको आपका टारगेट NTSC या फिर IIT JEE है, फाउंडेशन करने का है, ठीक है, करना चाहते हैं, तो देरी मत कीजिए। हम अभी फेब में एक कोर्स लेके आने वाले हैं, हर एक टाइप के बच्चों के लिए, 9th क्लास के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी, और NTSC का एक बार रिजल्ट आ जाता है, देन स्टेज 2 के लिए भी हम कोर्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, उसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।